नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ऑल न्यूज़। दिन की शुरुआत करते हरियाणा की टॉप 10 न्यूज़ के साथ। पहले हथौड़ा मैंने भाजपा को मारा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है। हरियाणा के फतेहाबाद में इनेलो ने किया ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान रैली का आयोजन। इस रैली में दूसरे स्टेट से बड़े बड़े नेता शामिल हुए। सभी की एक ही आवाज़ थी, तीसरे मोर्चे का गठन करना है और उस मोर्चे का लक्ष्य है 2024 के इलेक्शन में भाजपा को हराना है। इसके साथ साथ किसान और मजदूर हितैषी थी देवीलाल, शरद पवार ने जानकारी दी है। मेघालय के राज्यपाल ने भी ताऊ देवीलाल की प्रशंसा की। इनेलो पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अब की बार मुझको बना दो, आपके सारे काम हो जाएंगे। हरियाणा में 18,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जल्द। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में जल्द 18,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें 11,000 रेगुलर शिक्षक होंगे, 7,000 शिक्षकों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मध्य से भर्ती किया जाएगा। हरियाणा और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की दी मंजूरी। दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी है। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस फैसले का स्वागत किया। शहीद भगत सिंह के नाम पर दोनों राज्यों में सहमति बनी, पंजाब और हरियाणा दोनों ही खुश हैं। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम होगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। किसान, कमेरे और जनजन के मसीहा थे देवीलाल, दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री ने सेक्टर 20 में पूर्व उप प्रधानमंत्री की मूर्ति का भी किया अनावरण। दुष्यंत चौटाला ने रविवार को सेक्टर 20 में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले उन्होंने पार्क स्थल पर हवन यज्ञ में आहुति डाली। दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा में लगातार 3-4 दिन हुई मूसलाधार बारिश ने हरियाणा के किसान की जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फसल नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। नरवाना के गुरथली हॉल स्टेशन के पास पटरी से उतरे कुरुक्षेत्र जीन ट्रेन के इंजन के दो पहिए। दिल्ली मंडल से आए अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आखिरी में उनकी तरफ से जानकारी आई। दिल्ली मंडल से आई टीम ने पटरी से छेड़छाड़ करने की कही बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। फसलों के नुकसान का किसानों को मिलेगा मुआवजा, जेपी दलाल की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई है। सम्मान दिवस के बहाने विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में सफल रहे इनेलो, तो तीन जानकारी हम आपके साथ में एक ही वीडियो में शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में अनाज मंडी व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अनाज मंडी में किसान मोर्चे की पगड़ी संभाल जट्टा के प्रधान मनदीप सिंह और सदस्य अनाज मंडी में धरना स्थल पर पहुंचे और अभी तक कोई सहमति यहां पर बनी नहीं है, लगातार हड़ताल चल रही है। नेशनल गेम के लिए हरियाणा की पुरुष और महिला टीम घोषित। ये पहलवान करेंगे हरियाणा की कुश्ती टीम का प्रतिनिधित्व। यहां पर पूरी जानकारी दर्शाई गई है और ये जानकारी हम आपके लिए हिसार से लेकर आए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की एक और बड़ी जानकारी है, नेशनल हाईवे 152D बनने से लगभग 20-25 गांवों का रास्ता बंद हो गया है और गांवों के लोगों ने धरना दिया। जब से नेशनल हाईवे 152D बना है तब से 20-25 गांव काफ़ी परेशान है और इनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया है।